हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं बोट नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक मैंने लिया है। फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए कपड़े को रखेंगे और कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा मेरा 7 इंच, आर्म होल आएगा मेरा 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने ये कट किया है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए ऐसे कट कर सकते हैं और ये डिजाइन बना भी सकते हैं। अब चेस्ट आएगा मेरा 34 के हिसाब से 8.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन का, 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। और बोट नेक है तो हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेते हैं और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब वेस्ट में आएगा मेरा 28 के हिसाब से 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक के साथ भी मैंने इसको कट किया है। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। विथ में रख रही हूँ मैं 4 इंच और लेंथ रख रही हूँ मैं नेक की 10.5 इंच और ऊपर का नेक रख रही हूँ मैं 4 इंच पर। ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नीचे ऐसा हम नेक का शेप दे देते हैं, बोट नेक का, और ऊपर भी हमें बोट नेक का शेप दे देना है। देखिए, मेरा नेक की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर रखते हुए इसको हम स्टिच कर लेते हैं। नेक को सबसे पहले मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे नेक को हमें स्टिच कर लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। और अस्तर के बराबर हम नेक को कट कर लेंगे और पूरे राउंड में हमें नेक को पलटाने के लिए छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। पूरे नेक को सिलाई ना कटे इसका ध्यान रखें। पूरे नेक को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब इसको कोई नोकीले चीज़ों से हमें कॉर्नर बाहर की तरफ करते हैं, नोकीले चीज़ों से अच्छी तरह से कॉर्नर को बाहर कर लेना है। ऐसे ही हमें दोनों कॉर्नर बाहर निकालते हुए उसको सीधा कर लेते हैं और मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक पूरे राउंड में हमें सिलाई करते हुए उसको अटैच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। देखिए, मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बचे हुए फैब्रिक को हम अस्तर के बराबर से कट कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट दे देनी है। विड्थ में रख रहे मैं 1/2 इंच और लेंथ में रख रहे मैं 4 इंच की प्लेट्स। इसी तरह से हमें दोनों प्लेट्स दे देनी है। अब नीचे वेस्ट में सीधा कपड़े को सीधा करते हुए कट कर लेंगे और कमर पट्टी अटैच करेंगे। 1.5 इंच की कमर पट्टी सीधी पट्टी लेते हुए उसको हम 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए, 1/2 इंच का फैब्रिक कवर करते हुए उसको को अटैच करेंगे और छोटे छोटे कट्स लगाते हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक सिलाई कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारी कमर पट्टी अच्छे से बैठने के लिए एक रॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए, बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें फ्लावर के लिए मैंने फैब्रिक लिया है 8 इंच विड्थ में और लेंथ में लिया है मैंने 7 इंच। ऐसा चौकोन सिलाई करते हुए सेंटर से कट किया है और चारों कॉर्नर को बराबर निकालते हुए उसको हम बराबर कॉर्नर को नोकीले चीज़ों से बराबर कर लेते हैं। अब फिट में ली है मैंने पट्टी 4 इंच और ऊपर से ली है मैंने 1 इंच पर। ऐसे तिरछी कट कर लेंगे और उसको तिरछा कट कर लेते हैं। ऐसे हमें दो पट्टियाँ रेडी कर लेनी है और
कमर पट्टी को तीनों साइड से हमें सिलाई करते हुए दोनों साइड से हमें सिलाई कर लेनी है पट्टी को, और उसको भी पलटा लेते हैं। कोई नोकीले चीज़ों से हमें पट्टियाँ दोनों पलटा लेनी है। उसके भी कॉर्नर अच्छी तरह से निकालने चाहिए। अब दोनों पट्टियों को जॉइन करते हुए सिलाई कर लेंगे, और इसका हम जो हमने फैब्रिक रेडी किया था बटरफ्लाई के लिए उसको फोल्ड करते हुए वो अटैच कर लेंगे हम। आप चाहे तो सुई धागे से ही अटैच कर सकते हैं, मैं मशीन से ही अटैच कर रही हूँ। देखिए मेरी बटरफ्लाई रेडी हो चुकी है। अब मैंने ये छोटा फैब्रिक लिया है, विड्थ में 2 इंच और लेंथ में भी 2 इंच का ऐसा फैब्रिक लेते हैं, उसके छोटे छोटे तैयार की है। ऐसे कॉर्नर्स हमें तैयार कर लेने हैं नेक को लगाने के लिए। देखिए पूरे फैब्रिक के मेरे तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने कट कर लिया है सीधा। अब नेक के राउंड में हमें इसको बराबर से रखते हुए हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए पूरे समोसे हमें अटैच कर लेने हैं। बराबर से इसको अटैच कर लेंगे पूरे नेक को। अब ऊपर के नेक को भी हमें ये अटैच कर लेने हैं समोसे को। और एक फिनिशिंग के लिए हमें एक लेस अटैच करेंगे। लेस बराबर से हमें कॉर्नर से अच्छी तरह से बिठा लेनी है, और उसको कॉर्नर में बराबर फोल्ड करते हुए उसको स्टिच कर लेंगे लेस को। देखिए ये लेस फिनिशिंग के साथ लगानी ज़रूरी हो, तभी हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी तरह से आती है। कॉर्नर में ऐसे इसी तरह से फोल्ड कर लीजिएगा लेस, तभी हमारे कॉर्नर अच्छे दिखते हैं। देखिए मेरी लेस अटैच हो चुकी है। अब दोनों साइड की सिलाई हमें कर लेनी है। अब एक कॉर्नर की सिलाई लेस को अटैच करते हुए दोनों साइड से अच्छी तरह से लेस बिठाने के लिए दोनों साइड की सिलाई कर लेते हैं। देखिए मेरी लेस अटैच हो चुकी है। अब हमें सेंटर से जो बटरफ्लाई हमने तैयार की थी उसको अटैच करना है। सुई धागे से अटैच करेंगे, आप चाहे तो मशीन से ही अटैच कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।